मैं इस समय जमशेदपुर में हूँ और चुनाव आने वाला है। देश में जिस तरह के हालात हैं, मीडिया जिस तरह से चीज़ों को मैनिपुलेट कर रही है, आम लोगों के बीच मेरी कोशिश होती है कि उनसे समझूं कि वो चीज़ों को कैसे देख रहे हैं, उनकी क्या राजनीतिक समझ है, सामाजिक समझ है, टेलीविज़न अखबार को लेकर वो क्या सोचते हैं। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि 2019 में टेलीविज़न और अखबार वाला वोट नहीं करेगा भैया, वोट तो यही लोग करेंगे, तो सरकार उसी की बनेगी जिसको बहुजन वोट करेगा। सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं मैम, क्या नाम है आप दिखेंगी जी? सरकारी नौकरी तो नहीं करती हैं, इतनी डर रही हैं। क्या नाम है? मेरा नाम अन्नपूर्णा है। आप ट्राइबल हैं, आदिवासी हैं, एससी हैं? एससी में हूं। क्या लग रहा है, टीवी अखबार देख रही हैं जी? क्या करेंगे अगले 2019 में, क्या होगा 2019 में? तो हमारी पॉलिटिकल बेस में हम उसमें कुछ बोलना नहीं चाहते, लेकिन सामाजिक जो लड़ाई हम लोग आज तक लड़ रहे हैं। अरे मैं पूछ रहा हूँ, सरकार रिपीट कर जाएगी जो चल रही है वोट? मेरे को नहीं लग रहा है सरकार फिर से रिपीट करेगी। काहे? क्योंकि मोदी जी का जो कारनामा, जो ये 4.5 साल में जो भी उन्होंने किया है, उस पर ऐसा नहीं लगता कि फिर से वो सरकार आएगी। चलिए, ये महिलाओं से शुरू कर। आपका क्या नाम है? रूपशा। क्या करती है रूपशा? मैं स्टूडेंट हूँ। You are also tribal? Yes. No, not tribal. Schedule caste. हाँ, schedule caste. तो क्या लग रहा है, टीवी अखबार देखती होंगी? हाँ, बिल्कुल, आपका उसका असर हो रहा है? हाँ, असर हो रहा है सर। नहीं, टीवी अखबार का असर हो रहा है कि नहीं? टीवी अखबार का असर ऑलमोस्ट जीरो है सर। फायदा होगा मोदी जी जिस तरह से देश में युद्ध हो रहा है, देश युद्ध लड़ रहा है और मोदी जी प्रचार कर रहे हैं तो? नहीं, सब झूठ है सर, लोगों को पता चल चुका है। पता चल चुका है? हाँ भाई, कितना लोगों को लगता है झूठ है? चलिए, मुसलमान लोग जागरूक है, सबको लगता है झूठ है। नहीं, हमारा सेना तो सच्चा है, सेना सच्चा है, राजनीति और ये सेना को फंसाया जा रहा है, सेना का इस्तेमाल हो रहा है सर, सेना का इस्तेमाल हो रहा है। सेना सच्चा है, उसको भी तो सच बोलना चाहिए, उनके प्रवक्ताओं को। लेकिन प्रचार तो चल ही रहा है, झूठा है लेकिन प्रचार तो चल ही रहा है। क्या लग रहा है, सब जगह जैसे पहले CBI, सुप्रीम कोर्ट, ED सब जगह कब्जा कर लेगा, अब सेना पर कब्जे की तैयारी है PM? बिल्कुल, अब मैंने मीडिया में आके और सेना का प्रचार हो। अच्छा, आप लोगों पर टीवी का प्रभाव है कि नहीं? आप लोग क्या चैनल देखते हैं? हम लोगों का सर सवाल तो ऐसा लगता है सर कि सबसे पहले जो भारत का जो प्रिंट मीडिया है उसको हम लोगों को जला के राख कर देना चाहिए, और टीवी को जो हमारे घरों में है उसको उठा के पटक पटक के फोड़ देना चाहिए। काहे नहीं करते हैं काम? बिल्कुल कर रहे हैं, एकदम सर, करना ही पड़ता है सर। अभी लोग क्या, आप कुछ कहना चाह रहे भाई साहब? मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश के जो सामान्य जो लोग हैं उन लोगों को जो है ना अभी सेना के साथ होना चाहिए, और नेक्स्ट इलेक्शन में जो है ना मोदी जी को एक सबक जरूर सिखाना चाहिए। तो कोई लगता है कि देश सेना के साथ नहीं है? आपको पूरे देश सेना के साथ है, और मगर मोदी जी के साथ जो है नहीं है, और मोदी जी जो है सेना के साथ। मतलब आप क्या कहना चाहिए कि सेना के साथ खड़े हो, मोदी जी को वोट ना दे? नहीं, वो तो बूथ मजबूत कर रहे हैं, तो हम लोगों को तैयार होना होगा। अच्छा, देश में युद्ध जैसे माहौल था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम था, एकदम फेलुअर कार्यक्रम रहा, क्योंकि जिस बेस पर उन्होंने सत्ता में आने का काम किया वो सारा का सारा खोखला साबित हो गया। नहीं तो कितने, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर कि ये चुनाव जीतने के लिए मोदी जी कर रहे हैं, मतलब आप लोग सहमत हैं इससे? मेरा एक सवाल है सर मोदी जी से, पुलवामा हमला भी जो हुआ है वो सरकार को 7 दिन पहले ही पता था, उसके बाद भी उन्होंने किसी प्रकार का एक्शन नहीं लिया, और उसके पास रिपोर्ट था, सारा रिपोर्ट था उनके पास, उनके पास खबर आप लोग कैसे पता चल गया? वो जो कह रहा है, सोशल मीडिया से पता चला। अच्छा, टेलीविजन वाला तो नहीं बताता? बिल्कुल, टेलीविजन वाला वो जो कह रहा है की प्रधानमंत्री देश सुरक्षित हाथों में होना चाहिए, तो सर ये देश कैसा करके समझना पड़ेगा, देश कैसे सुरक्षित हाथों में जाएगा जब उनके रहते हुए 40 जवान शहीद हो गए? एक नेता आदि आते हैं तो पूरा रूट को जाम कर दिया जाता है, इतने इतने हमारे CRPF के जवान जा रहे थे तो उसमें RDX का इतना सामान कहां से आया और कैसे आ गया, और वो उस गाड़ी पे हमला कैसे हो जाता है? क्या ममता बनर्जी ने कहा है कि जो एयर स्ट्राइक हुआ पाकिस्तान पर, उधर से कोई मरा कि नहीं, ये सरकार को बताना चाहिए। सही बात है, सरकार की हमेशा साजिश रही है कि बहुजन समाज जहाँ पे खड़ी थी उसको फिर से वहीं पे खड़ा क्या करते हो आप? मैं गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह का BED का विद्यार्थी हूँ। आप क्या करते हो भाई साहब? सर मैं ठेकेदारी मजदूर करता हूँ, और हमारा जो आवाज सोशल मीडिया ही पहुँचाता है। आप क्या करते हैं?
हम भी एक वर्कर हैं, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हैं। और हम आप क्या करते हैं भाई साहब? ऑफिस काम करते हैं और ये हमारा अध्यक्ष कपाल। ये देखिए टीवी के चपेट से लोग बाहर तो आ गए हैं, नहीं वो तो बाद में बात कर लेंगे। टीवी के चपेट से लोग वापस आ रहे हैं और मोदी जी के लिए खतरे की घंटी है। हाँ, हम ये कहना चाह रहे हैं कि अमेरिका में एक बार हमला हुआ तो ऐसा चाक चौबंद व्यवस्था किया कि चिड़िया भी बिना आदेश का वहाँ घुस नहीं सकता है। भारत पर संसद पर भी हमला हुआ और अनेकों बार हमला हो रहा है देश पर, आज तक चाक चौबंद नहीं किया है। ये मनुवादी व्यवस्था भारत में काबिज क्या लगा? ये कांग्रेस बीजेपी दोनों चुनाव के समय भारत पाकिस्तान करने लगे? बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारे पास पिछला रिकॉर्ड भी है सर, दोनों ही 99 में, दोनों ही करती है कांग्रेस, अलग नहीं है। उसके पहले उसके पहले भी कितने युद्ध हुए, वो सारा करती है। एक के कहने बोलिया कांग्रेस थोड़ा छुप छुप के करती है, ये थोड़ा खुलेआम करने लग गया। कांग्रेस स्वीट पॉइजन है और ये खुल्लम खुल्ला बदमाश है, खुल्लम खुल्ला बदमाश करती है, ये दिन में कर देती है। तो ये बात आप लोग जो कह रहे हैं गांव समाज में, हम तो बिल्कुल बिल्कुल पहुंचा रहे हैं। हम लोगों को जितना टाइम मिलता है अपने लोगों को कंप्लीट समय देता हूं और उन लोगों को समझाने का काम करता हूं। ये हम लोग और पूरा गांव गांव तहसील लेवल पर जाके हम लोग, आप तो बहुत पढ़े लिखे लग रहे हैं, क्या लग रहा है? ठीक कह रहे हैं लोग? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं ये लोग। तो आप इतना डरे डरे का है तुम? अच्छा डर भी लगने लगा है लोकतंत्र में डर का? मेरे ऑफिस में एक मुसलमान दोस्त है, मेरे कलीग है, वो कहते हैं सर आप चिकन आप बीफ भी लाओगे तो कहेंगे ठीक है, हम चिकन भी लाएंगे तो कहेंगे बीफ है। डराया तो जा रहा है जी, मॉब लिंचिंग पैदा किया जा रहा है। अभी आपको भी डर लग गया था ना, क्या बोले? नहीं सर, हम लोग नहीं, हमको भी डर लगता है, दिमाग को पैदा किया जाता है ताकि हिंदू और मुस्लिम नाम से डर पैदा करके लोगों में झगड़ा लगाया जाए। बताइए अब पक्का आप लोग को लगता है कि मुसलमान दुश्मन ने उस पर दंगा नहीं करना चाहिए? मुसलमान हमारा अपना भाई है, खून का रिश्ता है, बहुजन समाज का वो एक अभिन्न अंग है। ये ब्राह्मणों की साजिश रही है कि मुसलमान के खिलाफ हमें खड़ा कर देना दंगे में। जी सर, ये मुसलमान हमारा दोस्त है, हमारा भाई है और हम लोग जहाँ तक चाहेंगे कि हमारा। चलिए एक बात मैं बता दूं अपने अनुभव से कि तलवार बांटने के बाद भी अब एससी एसटी ओबीसी लड़ाई करने के लिए नहीं निकल रहा है, इसीलिए लग रहा है कि अब दुश्मन घर वाला जो दुश्मन जिनको इन्होंने घोषित करा था मुसलमानों को, अब पड़ोस वाले को दुश्मन घोषित कर रहे हैं। तो खेल महीने लेकिन लोग समझ रहे हैं, तो ये कैसे समझ जा रहे हैं आप लोग? तो बहुत होशियार लोग हैं भाई, ये कैसे समझते हैं? टीवी अखबार उनके कब्जे में, तो आप लोग को जानकारी कैसे? सोशल मीडिया सर हमारे कब्जे में है ना सर, सोशल मीडिया से हम लोग सर प्रचार कर रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर तो आप फ्री में काम कर रहे हैं, उधर तो पैसा देके लोग रखे हुए हैं। कोई बात नहीं है सर, कोई बात नहीं, हम अपनी सर जितने हम कर सकते हैं सर उतना हम लोग कर रहे हैं सर, और इसका असर आप देखेंगे, देखने को भी मिलेगा। लेकिन ये और बात है कि हमारी बात को सोशल मीडिया पे नहीं, ढोल गवार शुद्र पशु और नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, जो पुराने वेदों में जो देखे जाते हैं प्रायः हम लोग उस चीजों को जब देखते हैं तो एक नफरत खड़ा किया जाता है, बहुजन समाज में नफरत फैलाया जाता है, जिससे हम लोग को लगता है कि हमारा हिस्ट्री है नहीं। आप कोई भी महापुरुष का देखिए जो हमारे सिलेबस में कहीं वैसा कुछ डाला नहीं गया। तो एक आप तो पढ़े लिखे लोग हैं, मुझे पढ़े लिखे लोगों से बात नहीं करना है। आप क्या करते हैं? हम समाज सामाजिक है। तो क्या लग रहा है मोदी जी मजबूत हुए, उनका वोट बढ़ा है कि नहीं? इधर उसको वोट अब घट जाएगा, वो लाइक नहीं है। काहे लाइक नहीं है? लाइक नहीं है तो मैंने जब से वो आए हुए हैं तब से देश में खाली आपस में गृह युद्ध करवा रहे हैं। गृह युद्ध करा? चलिए आप सर, हमारे तार कंपनी जो हरिजन बसते जो घासी जाति से हम लोग आते हैं, सफाई का काम करते हैं, महिला ढोने का काम करते हैं, 80 सालों से हम लोग रह रहे थे वहाँ, आज हमारे क्वार्टरों को घरों को तोड़ दिया गया। तो पैर धोया ना जी इलाहाबाद में खुश, आज हमारे घरों को तोड़ दिया गया, हमारा पैसा बाकी है, हमारा सेटलमेंट बाकी है। हाँ पैर धो लिया, खुश रहो, दलित सब खुश हो गया है। पैर धोला जाता है, उसे मला पहना जाता है, उसके बाद उसको हलाल किया जाता है, हलाल कर दिया। यही काम किया है मोदी जी ने। तो पैर धोने से भी आप लोग नहीं मानेंगे? नहीं सर, नहीं मानेंगे। पैर धोने से अच्छा सुनिए, एक पूछना चाहते हैं। हाँ, क्या क्या? बिना कैमरा के सामने आए भी पैर धोया जा सकता था, ये भी मार्केटिंग है। जी हाँ सर, और ये भी मार्केटिंग है। आज पहली सरकार है ये जिन्होंने सेना को भी इस मार्केट में शामिल कर लिया। बापरे बाप, बताइए। तो ये जानकारी, ये जो आप लोग इतना समझदार बने घूम रहे हैं कि कैसे? हाँ, ये जो अरे बात करने दीजिए भैया। 2 लाख मजदूर, 2 लाख ठेका मजदूर में ठेका मजदूरी कर रहे हैं रेलवे में। अगर पैर धोने के बजाय अगर ठेकेदार मजदूर को अगर परमानेंट किया जाता तो ये सबसे बड़ा पुण्य की बात होता है। ये मोदी जी का मुंह बनेगा। झाड़ू पकड़ लेने से सफाई नहीं हो जाता, झाड़ू पकड़ लेने से सफाई नहीं होता। असली सफाई करना तो सीवरेज और नाली में घुसो,
तब पता चलेगा कि सफाई क्या होता है। अरे सोचिए एक से एक, अरे भैया ताली मत पीटो यार, ताली वाला। सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है कि इस देश में सबसे पहले निजीकरण प्राइवेटाइजेशन जो है वो सफाई के काम को कर दिया गया, ताकि वाल्मीकि समाज के लोग जिनके हिस्से में पीढ़ी दर पीढ़ी गरीबी और गंदा घिनौना काम था, जब उसमें कुछ पैसे आने लगे, उनके बच्चे पढ़ लिख के इंजीनियर डॉक्टर बनने लगे, तो उस काम को इन लोगों को रास नहीं आया और इन लोगों ने उसको प्राइवेटाइज कर दिया और 5,000-6,000 पड़े लोग सफाई करने के लिए मजबूर हैं और वो साहब पैर धो रहे हैं। अच्छा एक बताइए, पैर ऐसा तो लग रहा था जैसे धुलवा के लाया था पहले से, हैं? जैसे हम लोग का तो पैरवा ऐसे गंदा रहता है, देखिए मजदूर का पैर ऐसा होता है, ऐसा तो लग नहीं लग रहा था कि पहले से पहले दो चार जिस पैर में धूल हो वही मजदूर है, जो सफाई रहता वो मजदूर नहीं है। तो अब दंगा वाला मामला फिट नहीं हो रहा है, लोगों के मरने से दंगा हो जाता तो ये अटैक नहीं होता, ये बार बार फेल हो रहा है। अच्छा कोशिश किए थे जब हमारे जवान शहीद हुए तो उसमें भी कोशिश किए थे कि दंगा हो जाए? अयोध्या में हुई थी पहली कोशिश, अयोध्या में हुई पहली कोशिश, अयोध्या में हुई वहाँ फेल हुए, फिर 42 लोगों सीआरपीएफ के जवान मरे तब भी दंगा नहीं हुआ, उसके बाद ये बमबार्डिंग किए तब भी दंगा नहीं हुआ। अब कुछ बचा नहीं इनके पास, अभी सुसाइड करेंगे, किसी को बेवकूफ आप एक साल बना सकते हैं, दो साल बना सकते हैं, पांच साल किसी को बेवकूफ नहीं बना सकते। बार बार कैसे जनता इतना मूर्ख नहीं है, अब जनता समझ रही है। देख तो टीवी अखबार रहे हो, वो तो सर ठीक है, वो तो अपने रैली में बोल रहे हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है, लेकिन कैसे सुरक्षित हाथों में है? जब 40 जवान मारे गए तो सुरक्षित कैसे है? इसका जवाब तो देना चाहिए। कांग्रेस वाला अगर होता इसकी जगह, या मायावती, मुलायम, कांशीराम, चाहे कोई दलित उलित होता प्रधानमंत्री, तो लोग कपड़ा उतार लेता है। बिल्कुल बिल्कुल, लालू यादव जी का क्या हल किया है? नहीं अभी कह रहा है ना कि हम सरकार से सवाल मत पूछिए, अगर कोई बहुजन होता तो ये सारा लोग टीवी अखबार वाला कपड़ा उतार लेता। लालू यादव जी के साथ क्या किया? उसी चार लेके विजय माल्या विदेश भाग गया, मेहुल चौकसी विदेश भाग गया, नीरव मोदी विदेश भाग गया, लेकिन ये एक लालू ही मिला उनको कि जेल में डाल दें। क्यों लालू क्यों बाहर घूम रहे हैं? क्यों बाहर घूम रहे हैं यार? अच्छा ये सारे लोग हमें तो पॉलिटिशियन लगते हो, काहे नहीं राजनीति में आते हो? सर अब आ रहे हैं ऐसी बात नहीं है हमारे समाज से भी। शुक्रिया आप सब लोग का बात करने के लिए। मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, मेहुल चौकसी और नीरव मोदी जो पैसा अभी लेके भागा है, अगर चुनाव के समय अगर नहीं आएंगे तो वोट कर दीजिएगा? एकदम नहीं सर, नहीं 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 एकदम नहीं। चोर तो चोरी है ना, समझ में आ गया है ये स्टैंड, खेल समझ में आ गया। मेहुल चौकसी तो ये आम लोग हैं, आम लोग पाकिस्तान को दिया जाएगा ना सर, ताकि उसका घाटा भरपाई हो, ये मेरा सोचना है। ये आम लोग नहीं है, यही बहुजन समाज के लोग हैं, 85% वोट के मालिक हैं। अगर ये लोग समझ गए तो टीवी अखबार धरा का धरा रह जाएगा। इसलिए नेशनल दस्ते की कोशिश होती है कि बहुजन कैसे सोच रहा है, क्योंकि वोट इनके पास है, अगर ये बदल गए तो सत्ता भी बदल। शंभु कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जमशेदपुर, झारखंड। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।